और एमपी में कमजोर पड़ा मॉनसून सिस्टम, दरअसल अगले एक सप्ताह हल्की बारिश होगी और प्रदेश में गरज चमक की गतिविधियां होती रहेंगी। आकाशीय बिजली गिरने चमकने के मामले बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों से सुरक्षित रहने के लिए भी कहा जा रहा है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन में यहां पर हल्की बारिश होती रहेगी, जबकि थंडरस्टॉर्म यानी बिजली कड़कने की जो घटनाएं हैं वो होते रहने की जानकारी मिल रही है। और क्योंकि मॉनसून अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमजोर हुआ है, वासु चौरे से बात करेंगे और जानेंगे कि मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है आने वाले मौसम के बारे में। जी वासु, बिल्कुल, देखिए आशीष, मध्य प्रदेश में आने वाले 6 से 7 दिनों तक हल्की बारिश की जो संभावना है, मध्यम गति से जो बारिश की संभावना है वो व्यक्त की जा रही है, क्योंकि अब जो सिस्टम्स हैं, जो सर्कुलर सिस्टम बन रहे थे, जो कम दबाव के क्षेत्र बन रहे थे, वो थोड़े से कमजोर हो गए हैं। और जितने सिस्टम अभी पिछले एक हफ्ते तक सक्रिय थे, जिसके कारण मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश का दौर देखने को मिला, रिकॉर्ड तोड़ मानसून जो है वो कई जिलों में दर्ज किया गया, नदी नाले उफान पर आ गए, बांधों में पानी लबालब भर गया और अभी तक वो जो एक्सेस वाटर था उसको बांधों से छोड़ा जा रहा है, लेकिन वो जो सिस्टम थे मजबूत सिस्टम वो फिलहाल अब खत्म हो गए हैं। और अभी ऐसा कोई नया सिस्टम डेवलप होता हुआ आने वाले 3-4 दिनों में नजर नहीं आ रहा है मौसम विभाग को, जिससे लगातार तेज बारिश मध्य प्रदेश में हो। तो अब एक सप्ताह रुक रुक के बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जो है व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन जो थंडर स्टॉर्म की सिचुएशन होती है, जो बिजली कड़कने की स्थिति होती है, बिजली गिरने की जो स्थिति होती है, इस तरीके का मौसम जो है, यानी कि आंधी तूफान वाला जो मौसम है, वो अब एक हफ्ते तक बना रहेगा। और लोगों को ऐसे मौसम में बेहद सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बिजली गिरने से, आंधी तूफान चलने से कई तरीके के जो हादसे हैं वो पेश आते हैं। तो थोड़ी सी राहत जरूर बारिश से मिलेगी, लोगों के जो रोजमर्रा के काम लगातार हो रही बारिश से प्रभावित हो रहे थे वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से अब आने वाले समय में चल सकेंगे, लेकिन इसके साथ ही अभी फिलहाल अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि मानसूनी सीजन जो है वो लगातार जारी है। अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, करीब सीजन की जो 65% बारिश है वो हो चुकी है, और आने वाले जो ये पूरा अगस्त का महीना है, इस पूरे महीने में जो एवरेज रेनफॉल की जो संभावना मध्य प्रदेश में व्यक्त की गई थी उसको पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और कई जिलों में एक्सेस रेनफॉल के भी जो आंकड़े हैं वो सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसके लिए लोगों को अपने स्तर पर भी तैयारी करके रखनी होगी, और जिस तरह थंडरस्टॉर्म और बिजली कड़कने की घटनाओं की बात कही जा रही है उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रतलाम में एक बार फिर जिला प्रशासन का अमला मदरसों की जांच करने पहुंचा। प्रशासन ने विरियाखेड़ी में मदरसे की जांच की तो पता चला कि यह मदरसा बिना अनुमति के संचालित हो रहा है, और इस मदरसे में 44 बच्चियां पढ़ रही हैं जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, एसडीएम सिटी और इस पर कार्रवाई करने पहुंचे तो वे भी दंग रह गए। दरअसल मदरसा बिना अनुमति के संचालित हो रहा था, और संचालक का कहना है कि अनुमति की प्रक्रिया चल रही है और एक छोटी सी बिल्डिंग में यह पूरा मदरसा संचालित होता था, जिसका रिकॉर्ड प्रशासन ने तलब किया है। में मदरसों की जांच करने के लिए रतलाम का जिला प्रशासन लगातार अब सड़कों पर उतरा है। रतलाम के बिरियाखेड़ी स्थित एक मदरसे पे जिला प्रशासन की टीम पहुंची है, साथ ही साथ महिला बाल विकास के अधिकारी है, आधा दर्जन से ज़्यादा अधिकारी यहां पर जांच कर रहे हैं। 44 बच्चियां यहां पे इस मदरसे में दर्ज हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश की बच्चियाँ भी इसी मदरसे में यहाँ पर जो धर्म की शिक्षा है वो ले रही हैं, और ये महिला बाल विकास के अधिकारी हैं जो कि पूछताछ कर रहे हैं। और ये देखिए, ये पूरा प्रमाइसेस है यहाँ पर, जो ये जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ पर रहती है, और ये इस कमरे में भी जो है यहाँ पे जांच कर रही है। कुछ केयरटेकर यहाँ पे मौजूद है जो इन बच्चियों का देखरेख करते हैं, महिला बाल विकास के अधिकारी है, और ये देखिए लगातार जांच कर रहे हैं यहाँ पे, और इनसे चर्चा भी कर लेते हैं। सर, कितनी बच्चियाँ यहाँ पे दर्ज है और कहाँ कहाँ की बच्चियाँ? बच्ची हैं जिनका एडमिशन यहाँ पे और स्कूल में हमने करा रखा है, लेकिन पूरे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हम अभी जमा नहीं करा पाए, क्योंकि कुछ स्कूलों से उनके रिजल्ट वगैरह नहीं मिल पाए, इसके वजह से जो है वो अधूरा। परमिशन की क्या स्थिति है? हमारे पास नहीं है, हमने उज्जैन डाल रखी है, फाइल चल रही है, और क्या नाम उनका जी, हाँ बोलिए,
क्या नाम इनको फाइल दे रखी है, इमरान सर वकील हैं, उनको फाइल दे रखी है, आप उनसे मालूमात कर सकते हैं। कितने रूम है यहाँ पे रहने की व्यवस्था है? रूम है टोटल। केयर टेकर कौन है, महिला है पुरुष है? बच्चों के लिए 5 रूम है, 2 एक टीचर के लिए हैं। केयर टेकर कौन है, आप यही रहते साथ में रहते हैं? यहीं पर रहता हूँ, बच्चियाँ ऊपर रहती हैं, मैं यहाँ पर रहता हूँ। क्या नाम है आपका? शाहिद रजा। पद क्या है आपका? मैं कारी हूँ पद से, उर्दू। तो शहीद रजा साहब बता रहे हैं कि परमिशन अभी नहीं है, परमिशन अंडर प्रोसेस है, उसके बावजूद 40 बच्चियाँ यहाँ पर रजिस्टर्ड है जो कि यहाँ पर धर्म की शिक्षा ले रही है। रीजन न्यूज 18 रतलाम। और जबलपुर में नगर निगम ने जर्जर भवनों को चिन्हित कर उन्हें तोड़ने की मुहिम तेज कर दी है। नगर निगम में क्षेत्र में करीब 65 मकान चिन्हित किए गए हैं जो जर्जर हैं और काफी पुराने हैं। इनमें से ज्यादातर मकान खाली पड़े हैं जिनके मालिक अब दूसरी जगहों पर जाकर रहने लगे हैं, लेकिन उन्होंने जर्जर मकानों को जस का तस छोड़ दिया। नगर निगम अतिक्रमण दल के प्रभारी सागर बोरकर ने यह बताया कि चिन्हित किए गए 65 जर्जर मकानों में से 21 मकान तोड़े जा चुके हैं और बाकी मकानों को भी सावधानी के साथ तोड़ा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण कहीं जल भराव की स्थिति है तो कहीं जर्जर मकान ढह रहे हैं। जबलपुर में ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें जर्जर मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि नगर निगम द्वारा जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया और उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस वक्त हम जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत साठिया कुआं में मौजूद हैं, जहां पर ये सोनी परिवार का एक मकान है जो काफ़ी पुराना है और जर्जर हो चुका है। अंदर की तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इस मकान की स्थिति हो चुकी है। हालांकि यहां आसपास में और भी लोग रह रहे हैं जो बेहद रिस्क में रह रहे हैं, और प्रशासन ने जब यह मकान चिन्हित किया तो इन्हें नोटिस भी दिया ताकि वो अपना मकान खुद तोड़ लें, लेकिन सक्रिय जगह होने के कारण, संसाधनों की कमी के कारण यह कार्रवाई नहीं हो पाई। फिलहाल प्रशासन के द्वारा अब जो है नगर निगम ने अतिक्रमण दल बुलाकर और उसके साथ में ये कार्रवाई शुरू की है, जिसके बाद अब ये जर्जर भवन तोड़ने की कार्रवाई अभी चल रही है और इस भवन के टूटने के बाद निश्चित ही आसपास के लोगों को भी राहत मिलेगी। बहरहाल जबलपुर में नगर निगम ने तकरीबन 65 ऐसे जर्जर मकान चिन्हित किए हैं जो बेहद बुरी स्थिति में है और कभी भी ढह सकते हैं। इनमें से 21 मकानों को अभी तक तोड़ा जा चुका है, बाकी कार्रवाई अभी लगातार जारी है। पवन पटेल, न्यूज 18 जबलपुर। देखिए, जो नगर निगम के द्वारा जितने भी भवन चिन्हित किए गए हैं जो जर्जर हो चुके हैं उसमें टीम काम कर रही है। अभी तक 65 जो टोटल जर्जर भवन हैं वो हमने चिन्हित कर चुके हैं, भवन शाखा से चिन्हित हो चुके हैं। इसके बाद इनमें हटाने की भी कार्रवाई की जा रही है, लगातार भवन हट रहे हैं, आज भी भवन हट रहा है जर्जर भवन। रायपुर नगर निगम के पार्षद वाटर ट्रीटमेंट के पार्ट बेंगलुरु और मैसूर से सीखेंगे। अब 70 पार्षदों का दल आज बेंगलुरु और मैसूर शहर के दौरे पर जाएगा। दरअसल दोनों शहरों से ये वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का अध्ययन करेंगे और पार्षद एक हफ्ते तक दोनों जगहों पर रहेंगे और फिर लौटकर रायपुर में इसे लागू करवाने की कोशिश की जाएगी। वहां की प्लानिंग, उसके इंस्टॉलेशन, उसकी आने वाली समस्याओं का कैसे निराकरण हो, इसके लिए एक स्टडी टूर प्रस्तावित है और ये स्टडी टूर रायपुर नगर निगम सीखेगा बेंगलोर में जाके, मैसूर में जाके, और उसे शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। कल पूरे 70 पार्षद अध्ययन दल के लिए बेंगलोर रवाना हो रहे हैं। कल 11 बजे की फ्लाइट है, वहां पर जाके हम स्वच्छता को लेकर, वहां एक वाटर का नया सिस्टम चालू हुआ है पानी ट्रीटमेंट को लेकर, तो ये दो चीज हम लोग बेंगलोर नगर निगम और मैसूर नगर निगम जाके मांगे। और बिलासपुर एक के बाद एक 3